नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सिक्कर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अपने नए टॉपिक वॉच रूम और कंट्रोल रूम की। देखो, फायर सर्विस में वॉच रूम और कंट्रोल रूम का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दोनों का कार्य की दृष्टि से अगर देखें तो लगभग एक सा कार्य होता है, कुछ माइनर इसमें डिफरेंस होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने वॉच रूम की कि आखिर ये वॉच रूम होता क्या है और ये होता कहाँ पर है। देखो, वॉच रूम की अगर अपन बात करें तो प्रत्येक फायर सर्विस जहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन होता है वहाँ पे वॉच रूम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई शहर है, इसमें ये तीन या चार मान लो फायर सर्विस सेंटर है, फायर सर्विस स्टेशन है, तो चारों पे क्या होगा, एक एक वॉच रूम होगा। तो चारों में क्या होगा, वॉच रूम होगा। कहने का मतलब क्या होता है, वॉच रूम क्या होता है, वॉच रूम प्रत्येक फायर स्टेशन पर होता है, जो होता है एक तरीके से एक रूम होता है जिसमें सूचना का आदान प्रदान करने के लिए साधन से होते हैं, या कह सकते हैं कि संचार के साधन इसमें क्या हुए होते हैं, रखे हुए होते हैं, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में इनमें सूचना प्राप्त की जाती है और आग बुझाने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं। तो देखो, अगर अपन बात करें वॉच रूम की, तो वॉच रूम क्या होता है कि प्रत्येक फायर सर्विस स्टेशन पर एक रूम होता है जिसमें सूचना या संचार के साधनों को रखा जाता है, जिनसे क्या किया जाता है, सूचना को प्राप्त किया जाता है और सूचना प्राप्त करने के बाद में क्या किया जाता है, आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कहीं पे आग लगती है, तो सबसे पहले जो आग की सूचना मिलेगी वो किस में आती है, अपने वॉच रूम में आती है। वॉच रूम द्वारा क्या किया जाता है, उस सूचना के बारे में अपने जो भी फर्स्ट टर्न आउट होता है उसको बताया जाता है और उसको कहाँ पर भेजा जाता है, जहाँ पर वो घटना घटित होती है उस जगह पर, या कह सकते हैं आगजनी वाले स्थान पर उसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। अपन ये समझ सकते हैं कि वॉच रूम क्या होता है, कि वॉच रूम एक रूम होता है प्रत्येक फायर सर्विस स्टेशन पे, जिसमें क्या किया जाता है, संचार के साधनों को रखा जाता है और उनके द्वारा आग की सूचना को प्राप्त किया जाता है और वापस क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही देखो, प्रत्येक वॉच रूम जो होता है वो उसको जो संदेश मिलता है उसको कंट्रोल रूम तक पहुँचाना उसके लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। मतलब प्रत्येक संदेश को ज़रूरी है कि वो किस तक पहुँचे, कंट्रोल रूम तक पहुँचाए। तो अब अपन बात करते हैं कि देखो, कंट्रोल रूम आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं कंट्रोल रूम। देखो, वैसे कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, और वॉच का मतलब होता है देखना। मतलब प्रत्येक फायर स्टेशन पे जरूरी है कि क्या होगा, वॉच रूम होगा, लेकिन प्रत्येक फायर सर्विस स्टेशन पे कंट्रोल रूम का होना आवश्यक नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखना है अपन को कि प्रत्येक फायर सर्विस स्टेशन पे वॉच रूम होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर फायर सर्विस स्टेशन पे क्या हो, कंट्रोल रूम हो। अब ये कंट्रोल रूम क्या होता है, देखो जैसे अपन ने अभी बात की थी, ये कोई सिटी का एरिया है और ये इसके चारों कोने पे क्या है, चार फायर सर्विस स्टेशन है। तो चार फायर सर्विस स्टेशन है तो मतलब चारों में क्या है, चार वॉच रूम है, और ये बीच में ये क्या बना दिया जाता है, कंट्रोल रूम आपका बना दिया जाता है। अपना क्या बना दिया जाता है भाई, कंट्रोल रूम बना दिया जाता है। अब देखो क्या होगा कि मान लो किसी भी वॉच रूम के पास अगर किसी आपातकालीन सूचना का संदेश आता है तो वो किस तक पहुंचाएंगे, इस कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि वॉच रूम और कंट्रोल रूम का कार्य भी एक जैसा होता है, लेकिन भिन्न कहाँ होता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा कि प्रत्येक वॉच रूम क्या है, इसको कंट्रोल रूम को संदेश भेजने के लिए बाध्य है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल रूम प्रत्येक वॉच रूम को संदेश भेजने के लिए बाध्य नहीं होता, या उसके लिए जरूरी नहीं है कि कंट्रोल रूम अपना क्या करे, प्रत्येक वॉच रूम तक संदेश को भेजे ही। तो अब देखो, ये आखिर होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है। सपोज कीजिएगा, देखो इस सेक्टर में आग लगती है, यहाँ पे कोई आगजनी हो गई, क्या लग गई, आग लग गई, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल रूम को क्या मिली भाई, सूचना मिलती है कि अमुक एरिया में आग लग गई। अब देखो कंट्रोल रूम क्या करेगा, कंट्रोल रूम पता करेगा कि इसकी नज़दीकी फायर सर्विस स्टेशन कौन सा है। तो मान लो कंट्रोल रूम को पता चलता है कि ये इसका क्या है, नज़दीकी इसके एरिया में है, तो कंट्रोल रूम केवल इसी को इसको क्या करेगा, आग बुझाने के लिए संदेश भेजेगा, भाई आपके एरिया में इस जगह पे आग लगी, आप उस पर या कोई भी घटना आपातकालीन परिस्थिति घटित होती है तो उसके ऊपर कार्य करने के लिए, कमांड देने के लिए इसको अग्रेसित करता है। लेकिन देखो ये वॉच रूम होता है, ये क्या करेगा वॉच, अब देखो इनमें फर्क क्या हुआ, वापस बात करते हैं। वॉच रूम क्या कार्य करता है, संदेश प्राप्त करता है, क्या करता है, संदेश प्राप्त करता है, और प्लस क्या करता है, उचित कार्यवाही के लिए, उचित कार्यवाही हेतु दल भेजता है, ठीक है। दल मतलब जो भी अग्निशामक दल होगा, फर्स्ट टर्न आउट होता है, वो क्या करता है, भेजता है। लेकिन
कंट्रोल रूम क्या करता है, संदेश को प्राप्त करता है, लेकिन क्या करता है फिर नहीं तो उसके नज़दीकी वॉच रूम को क्या करता है, उस संदेश को भेजता है, फिर वॉच रूम उस पर कार्यवाही करता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि किसी जो वॉच रूम होता है उसका तो कार्य क्या होता है कि संदेश को प्राप्त करके उस आपातकालीन स्थिति से निपटने के उपाय करना, लेकिन कंट्रोल रूम क्या करता है, कंट्रोल रूम संदेश को प्राप्त करता है, प्राप्त करने के बाद उसकी सूचना वॉच रूम को भेजता है, नज़दीकी जो भी वॉच रूम होता है या फायर सर्विस स्टेशन होता है वहाँ पर इसकी सूचना देता है, और वहाँ से फिर क्या किया जाता है उस घटनास्थल पर जाके उस घटना से लोगों को निजात, कह सकते हैं अगर मान लो कहीं पे आग लग जाती है तो आग बुझाने के कार्य वहाँ पे किए जाते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क होता है अपने वॉच रूम और कंट्रोल रूम में। देखो वॉच रूम प्रत्येक फायर सर्विस स्टेशन पे होता है, ज़रूरी नहीं कि कंट्रोल रूम प्रत्येक फायर सर्विस स्टेशन पे हो ही, लेकिन वॉच रूम अपना संदेश कंट्रोल रूम को देने के लिए बाध्य है, कंट्रोल रूम बाध्य नहीं है कि सभी को अपना संदेश भेजे, ठीक है। अब दूसरी बात, कंट्रोल रूम क्या करता है, प्रशासनिक कार्य भी करता है, मतलब कोई भी जब आदेश सभी वॉच रूम को भेजना होता है तो सबसे पहले कंट्रोल रूम में आता है और कंट्रोल रूम सारी जगह पे क्या कर देता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कोई भी रिपोर्ट मांगता है तो कंट्रोल रूम सबसे मांग भी सकता है, कहने का मतलब जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं, कंट्रोल रूम के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन देखो एक चीज़ और अपन को ध्यान में रखने वाली ये होती है कि मान लीजिएगा किसी भी सिटी के अंदर एक ही फायर सर्विस सेंटर है, एक ही फायर सर्विस स्टेशन है, तो वहाँ पे आपका जो वॉच रूम होगा या कह सकते हैं जो वॉच रूम होता है वही कंट्रोल रूम की तरह भी कार्य करता है। अगर किसी जगह पे एक ही फायर सर्विस स्टेशन है तो वहाँ पे वॉच रूम और कंट्रोल रूम दोनों एक ही तरह कार्य करते हैं, मतलब एक ही चीज़ वॉच रूम होता है अपना वही कंट्रोल रूम का कार्य करता है। तो ये भी अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो एक्चुअल में दोनों में अंतर क्या होता है ये अपन पता करते हैं। तो देखो अंतर की अगर बात करें तो अपने जब अपने की वॉच रूम क्या करता है, दुर्घटना की सूचना प्राप्त करता है एक तो, और सूचना प्राप्त करने के बाद में क्या करता है उस पर उचित कार्यवाही के लिए किसको भेजता है, दल को भेजता है, या अपन कह सकते हैं कि किसको भेजता है, कर्मचारियों को भेजता है। मतलब वापस देख लीजिए, वॉच रूम क्या करता है, सूचना को प्राप्त करता है और उस पर उचित कार्यवाही हेतु किसको भेजता है, भाई कर्मचारियों को उस जगह पर भेजता है जहाँ से सूचना आपको प्राप्त होती है, ठीक है। अगर अपन कंट्रोल रूम की बात करें तो कंट्रोल रूम क्या करता है, सूचना तो प्राप्त करता है, देखो सूचना वॉच रूम भी प्राप्त करता है, सूचना कंट्रोल रूम भी प्राप्त कर रहा है। वॉच रूम ने क्या किया, सूचना के बाद कर्मचारियों को कहाँ पे भेज दिया, उस घटना से निजात पाने के लिए उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया। लेकिन जो अपना कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम क्या करेगा, सूचना को तो प्राप्त कर लेगा, यहाँ तक सही है, लेकिन सूचना प्राप्त करने के बाद में क्या करेगा, दुर्घटना स्थल के निकटवर्ती जो भी वॉच रूम होता है उसके पास क्या करेगा, ये आदेश देता है, और आदेश दिया जाता है कि उस घटनास्थल पे क्या किया जाए, कर्मचारियों को उचित कार्यवाही हेतु भेजा दिया जाए। तो ये दोनों में फर्क होता है अपने वॉच रूम और कंट्रोल रूम के अंदर। जो अपन को अगर ये फर्क अपन को पता है तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर अपनी एग्जाम में आएगा तो अपन बड़े इजीली से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि वॉच रूम होता है तो होना कैसा चाहिए वॉच रूम। अब देखो होना तो कैसा चाहिए, नॉर्मली जनरल सी बातें हैं कि भाई वॉच रूम ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे क्या किया जाए, आसानी से पहुँचा जा सके, सुगमता से पहुँचा जा सके, आराम से हर दूर से उसको देखा जा सकता है कि अमुक स्थान पे क्या बना हुआ है, वॉच रूम बना हुआ है। साथ ही देखो जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है वो क्या आसानी से उसे पहुँच सके, इस तरीके से सुगम और सरल क्या होना चाहिए, उसका रास्ता होना चाहिए, ये भी अपन को क्या होना चाहिए, भाई पता होना चाहिए। साथ ही अगर अपन बात करें तो जो वॉच रूम होता है वो किसके पास में होना चाहिए, जो अपना अप्लायंसेज रूम होता है उसके बिल्कुल पास में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सूचना मिलते ही जो भी उपकरण वहाँ पे जरूरत होती है उस हिसाब से क्या किया जाए, उन पे कार्य किया जाना जा सकता है। तो देखो ये चीज़ें थी अपने किससे संबंधित। एक अगर अगली बात करें अपन तो जो अपने वॉच रूम में उपकरण जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि वॉच रूम में क्या है, उपकरण क्या क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहली बात करें तो अपन ने बात की कि वॉच रूम में संचार के साधन रखे हुए होते हैं, तो सबसे पहले संचार के साधनों की बात करें तो क्या होना चाहिए, भाई टेलीफोन होना चाहिए, एक हो सकता है या दो, एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, ये होना चाहिए। उपकरण की बात करें तो एक इसमें क्या होगा भाई, वायरलेस सेट भी होना ज़रूरी है वॉच रूम के अंदर, क्योंकि वायरलेस से क्या होता है, सूचना को अतिशीघ्र एक से दूसरी जगह पर क्या किया जा सकता है, पहुँचाया जा सकता है। फिर अगर अपन बात करें तो अपना स्ट्रीट अलार्म पैनल भी होना चाहिए, अगर कोई बड़ा मेट्रो सिटी है तो उसे क्या होना चाहिए, स्ट्रीट अलार्म पैनल, मतलब जो गली स्ट्रीट यानी गली अलार्म समझते हो सब, पैनल मतलब पैनल ही होता है। साथ में क्या होना चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, भाई कैलेंडर भी कह सकते हैं, घड़ी होनी चाहिए, घड़ी के साथ में क्या होना चाहिए भाई, कैलेंडर होना चाहिए। साथ में देखो एरिया की जानकारी से संबंधित होना चाहिए, क्या कहते हैं अपन,
एरिया से संबंधित जानकारी जो मतलब कह सकते हैं वहाँ का जो मैप होता है वो भी वहाँ पे होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे भाई अपन, टर्न टोपोलॉजी, क्या बोल सॉरी उसको क्या बोलेंगे, एरिया से संबंधित जो मैप होता है वो भी आपका होना चाहिए। साथ में अगर अपन बात करें तो देखो टेलीफोन हो गया, वायरलेस सेट हो गया, स्ट्रीट अलार्म पे लो, घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया आपका। अब देखो इसके बाद में क्या होगा भाई, वॉच रूम की बात हो रही है, मतलब ऐसा रूम जहाँ पे क्या होता है फायर सर्विस स्टेशन पे, तो इसमें देखो वॉच रूम में जो ड्यूटी वितरण बोर्ड होता है वो भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्यूटी वितरण बोर्ड, जिस पे लिखा हुआ होगा कि कौन से कर्मचारी की क्या है भाई, किस समय उसकी ड्यूटी है। तो देखो ये क्या हो गया, देखो टेलीफोन हो गया, वायरलेस सेट हो गया, स्ट्रीट अलार्म पेलन हो गया आपका। अब देखो इसके बाद में वहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर भी होगा, ऑटोमेटिक अलार्म पैनल भी होगा, ऑटोमेटिक अलार्म पैनल ये भी अपने किस में होता है भाई, वॉच रूम का ही भाग होता है। तो देखिए टेलीफोन, वायरलेस सेट, ये अपन को नाम याद रखने पड़ेंगे, कोई भी एग्जाम हो सकता है अपन से पूछा जा सकता है। अब देखो कंट्रोल डेस्क भी होती है, क्या होती है भाई, कंट्रोल डेस्क। फिर एक चेतावनी घंटी भी होती है जिसको वार्निंग विशल बोला जाता है, ठीक है, चेतावनी घंटी हो गई, वार्निंग विशल आपकी हो गई। फिर देखो आपका दुर्घटना संबंधी बोर्ड होता है, दुर्घटना संबंधी बोर्ड, ये भी इसमें क्या होता है अपने वॉच रूम के उपकरण के अंदर हमिल करते हैं अपन। तो देखो मोटे मोटे बात करें तो अपना टेलीफोन, वायरलेस सेट, ये सारे क्या हो गए, इसके उपकरण हो गए। अब देखो इसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है टेलीफोन डायरेक्टरी, क्या होती है भाई, टेलीफोन डायरेक्टरी भी होती है, किसमें, वॉच रूम के अंदर टेलीफोन डायरेक्टरी को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। साथ में देखो कुछ और भी होते हैं, जैसे टर्न आउट बेल हो गई आपकी, इंक्वायरी बेल हो गई, ये सारी चीज़ें भी किसमें शामिल करते हैं अपन, इसके अंदर अपने वॉच रूम के उपकरण। तो ये सारे क्या हैं, वॉच रूम के उपकरण, और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं लेकिन मोटे मोटे अगर बात करें तो ये सारे उपकरण इसमें अपन शामिल करेंगे। अब देखो इसके बाद में आता है कि वॉच रूम में दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होते हैं, ये तो उपकरण की बात थी, कि दस्तावेज का मतलब जो कागजात जो होते हैं, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि रजिस्टर जो होते हैं या जो जिससे संबंधित रिकॉर्ड संधारित किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड क्या क्या रखे जाते हैं। तो देखो एक तो इसमें क्या होता है, निर्धारित उपस्थिति, पूर्व निर्धारित उपस्थिति, ये एक दस्तावेज होता है, पूर्व निर्धारित उपस्थिति, मतलब पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि किस समय कौन से शिफ्ट में किन किन कर्मचारियों की ड्यूटी होती है, वो सारी लिस्ट होती है। फिर क्या होता है, आपातकालीन संदेश लिखने का दस्तावेज, आपातकालीन संदेश लेखन दस्तावेज, और जैसे अपन को सूचना मिलती है कि कोई भी जैसे आपातकाल में संदेश मिलते हैं उसको लिखने के लिए जो दस्तावेज होता है, जो कागज होता है या जो रजिस्टर होता है वो हो गया। फिर एक अपना आ जाता है जल आपूर्ति संबंधी दस्तावेज, जल आपूर्ति संबंधी दस्तावेज, ये भी क्या होता है भाई, अपने इसका पार्ट होता है वॉच रूम के दस्तावेजों का। फिर अगर अपन बात करें तो देखो अपना जो भी सूचना मिलती है तो एक तरीके से फायर रिकॉर्ड रजिस्टर भी इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, फायर रिकॉर्ड रजिस्टर, पूर्व निर्धारित उपस्थिति, आपातकालीन संदेश लेखन का दस्तावेज हो गया, फायर रिकॉर्ड रजिस्टर हो गया। साथ में देखो अपने एरिया संबंधी जानकारी, ये भी क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, रजिस्टर दस्तावेज होता है, जरूरी दस्तावेज, जिसमें एरिया से संबंधित मैप होता है पूरी जानकारी के लिए, ठीक है जी। इसके बाद में देखो अपनी अक्रेंस बुक, अपनी लॉग बुक, अक्रेंस बुक हो गई, लॉग बुक हो गई अपनी। फिर देखो आग की सूचना मिलने पर जो निर्देश दिए जाते हैं उससे संबंधित भी दस्तावेज होता है। तो मोटे मोटी बात करो तो ये दस्तावेज अपन क्या करते हैं, वॉच रूम में शामिल करते हैं, पूर्व निर्धारित उपस्थिति, आपातकालीन संदेश लेखन का दस्तावेज, जल आपूर्ति संबंधी दस्तावेज, फायर रिकॉर्ड रजिस्टर, अक्रेंस बुक और लॉग बुक, इनको क्या किया जाता है अपने इसमें शामिल करते हैं, किसमें, वॉच रूम के दस्तावेजों में। अब देखो सब इसके बाद में बात आती है कि प्रत्येक वॉच रूम की एक खासियत ये होती है कि वॉच रूम को कभी भी क्या नहीं किया जाता, खाली नहीं छोड़ा जाता, शिफ्ट में इसकी ड्यूटी होती है और प्रत्येक समय उसमें एक बंदे का होना जरूरी होती है, जरूरी होता है, जिसे क्या बोला जाता है, वॉच रूम ऑपरेटर बोला जाता है। तो क्या करता है, वॉच रूम को संचालित करता है, उस जो भी सूचनाएँ आती है उसको लिखता है, संदेश को सुनता है, अच्छी तरीके से लिखता है, कई गुण होते हैं। तो देखो उसमें सबसे पहली बात है कि वॉच रूम में जो कार्य करता है उसको क्या बोला जाता है, वॉच रूम ऑपरेटर बोला जाता है। अब अपन बात करेंगे कि जो वॉच रूम ऑपरेटर होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो देखो नॉर्मल सी बात है, जब
कोई भी वॉशरूम होता है वो प्रत्येक फायर सर्विस स्टेशन का क्या होता है, एक तरीके से हार्ट होता है, हृदय होता है, उसी पे क्या होता है, एक तरीके से बैकबोन का कार्य करता है। तो इसमें जो काम करने वाला बंदा होना चाहिए वो फुर्तीला होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सामने से बात कर रहा है तो उसमें संतुष्टि प्रक उसको सेटिस्फाई करना भी जरूरी है सूचना देने वाले को, और उसका हौसला बढ़ाना भी जरूरी है। तो निर्णय लेने में भी क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए, विशेष परिस्थिति में क्या नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें अपन को क्या करनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है। साथ ही जो नगर की जो टोपोग्राफी है, क्या टोपोग्राफी, देखो टोपोग्राफी किसको कहते हैं, नगर का जो नक्शा होता है उसको क्या बोला जाता है भाई, टोपोग्राफी होते हैं, उससे भी वो क्या होना चाहिए, परिचित होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, शांत रहने वाने वाला होना चाहिए, गुस्सा करने नहीं होना चाहिए, एकदम शांत प्रवृत्ति का मृदुभाषी होना चाहिए, उस स्पष्ट वक्ता भी होना बहुत ही जरूरी है। प्लस साथ ही किसी प्रकार का उसमें शारीरिक विकार नहीं होना चाहिए, जैसे उसको सुनाई नहीं दे, बोलने की क्षमता अक्षमता हो, ऐसा कोई भी गुण उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, देखो अपना ये क्या था कि वॉचरूम है, वॉचरूम हो गया, कंट्रोल रूम हो गया। अपने देखो वॉचरूम और कंट्रोल रूम में जो डिफरेंस था वो अपन ने पता कर लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बाकी अपने अगर बात करें तो प्रत्येक फायर सर्विस स्टेशन पे वॉचरूम का ही मुख्य रूप होता है, वही अपन उसी के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है अपन को। कंट्रोल रूम तो वॉच रूम भी कई बार क्या करता है कि कंट्रोल रूम का कार्य करता है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा अप्लायंसेज हो जाते हैं। अब देखो अपन ये बात करते हैं कि जैसे मान लो अपन को सूचना मिलती है, टेलीफोन पे सूचना आई, तो वो जो टेलीफोन उठा के जब अपन बात कर रहे होते हैं तो अपन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए वॉच रूम ऑपरेटर को, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि टेलीफोन पे सूचना मिलते समय क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले धीरे से क्या करना चाहिए, टेलीफोन को उठा के क्या करना चाहिए, कान से लगाना चाहिए, और बड़े ही सबसे पहले अपना खुद का परिचय देना चाहिए कि भाई मैं अमुक व्यक्ति, मेरा खुद का नाम बताओगे, फिर आपकी जो फायर सर्विस स्टेशन है उसका नाम बोलोगे कि मैं ये बंदा बोल रहा हूँ। फिर क्या करेंगे अपन, देखो अपने पास पर जो ऑपरेटर होता है वॉचरूम ऑपरेटर, उसको अपने पास एक नोटपैड और एक पेंसिल रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या करेगा कोई भी सूचना मिलती है उसका ब्यौरा है वो उसमें लिख लेगा। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। सूचना जब नोट कर देते होते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, करने के बाद अच्छे से दोहराना चाहिए उसको, ताकि अगले बंदे को पता चल जाए कि अपन ने सही नोट किया, कोई भी मिस्टेक होने की, गलती होने के चांसेस क्या हो उसमें नहीं रहे। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सूचना देने वाला अगर कोई घबराया हुआ व्यक्ति हो तो उसे बिल्कुल नम्रतापूर्वक शांत रहकर, मतलब उसकी हौसला अफजाई करके, उसे थोड़ा सा मोटिवेट करके, उसका हौसला बढ़ा के अपन क्या करेंगे, सही सही सूचना लगने की क्षमता भी किसमें होनी चाहिए, वॉचरूम ऑपरेटर के अंदर होनी चाहिए। अगर सूचना लिखते समय क्या करना चाहिए, साथ साथ बोलते भी जाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं हो, एकदम सही सही सूचना को क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए। अब देखो दुर्घटना की सूचना, ये तो थी टेलीफोन से संबंधित। अब दुर्घटना की अगर सूचना अपन नोट कर रहे हैं तो नोट करते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो देखो सबसे पहली बात करें कि दुर्घटना स्थल का पता और वहाँ पहुँचने का जो रास्ता होता है उसके बारे में भी अपन को क्या करना चाहिए, अच्छे से ब्यौरा लिख लेना चाहिए कि भाई कहाँ पर कौन सी जगह पर और वहाँ कौन से रास्ते से जल्दी पहुँचा जा सकता है, कौन सा रास्ता वहाँ पहुँचने में मतलब सही रास्ता है, समय कम लगे, जाने में आसानी रहे, ऐसे रास्ते का पूरा क्या करना चाहिए अपन को विवरण इसके अंदर लिखना चाहिए। साथ ही दुर्घटना किस तरह की है, किसी दुकान की आग है, फैक्ट्री की आग है, या किस चीज़ में आग लगी है उससे संबंधित, मतलब दुर्घटना की जो किस्म होती है, जो प्रकार होता है, उसके बारे में भी अपन को क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए किसमें, ये सूचना लिखते समय। साथ में वहाँ पे सूचना का क्या जरिए, कोई टेलीफोन नंबर हो वहाँ के, उन सबको भी अपन को क्या करना चाहिए, इसमें नोट करना चाहिए। साथ ही अगर बात करें तो सूचना नोट करने के बाद में अपन को समय भी नोट करना चाहिए कि जो सूचना अपन को प्राप्त हुई वो कौन से समय प्राप्त हुई, और क्या डेट और समय जो होता है वो अपन को क्या करना चाहिए वहाँ पे सारा। अब देखो जैसे अपन ने सूचना प्राप्त कर ली, सूचना नोट कर ली, सूचना नोट करने के बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए जो फर्स्ट टर्नआउट होता है, जो कर्मचारियों का दल भेजने के लिए क्या करेंगे, सूचना नोट करने के पश्चात अलार्म बजाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, तुरंत अलार्म बजाना चाहिए, और टर्नआउट पर जाने के लिए अधिकारियों को क्या कहना चाहिए, सूचित करना चाहिए, संदेश पत्र अपन क्या करते हैं भेजते हैं। वो संदेश कैसा होगा, देखो संदेश को जोर जोर से मौखिक भी बोलना चाहिए, जिससे सब लोगों को क्या हो जाए, उसकी जानकारी हो जाए कि उनको ये भी किसी टर्नआउट पर जाना है और किन किन को जाना है, सारी चीज़ आप मौखिक बोलते हैं अपन, जिससे क्या होता है वॉचरूम ऑपरेटर का कार्य होता है सारा, कि मौखिक रूप से उसको बोलेगा, और बोलने से सबके पास वो क्या हो जाती है, संदेश आसानी से पहुंच जाता है। और टर्नआउट के जाने के पश्चात जैसे अपना फायर ऑफिसर होता है, पुलिस स्टेशन होता है, या अपन कह सकते हैं कि वाटर बक्स हो गया, कंट्रोल रूम हो गया, पावर हाउस हो गया, जिससे रिलेटेड जो जो रिलेटेड उस दुर्घटना स्थल से रिलेटेड जो जो विभाग होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, सूचना दी जाती है।
साथ ही जो भी सूचना हुई है उसको अक्रेंस बुक या अपनी जनरल डायरी में क्या कर लिया जाता है, क्रमवार क्या किया जाता है उसमें अंकित कर लिया जाता है, ये होता है। अब देखो प्रशासनिक कार्य भी इसमें होते हैं, प्रशासनिक कार्य जैसे कोई भी कर्मचारी है उनकी उनको समस्या है उनको भी सुना जाता है, कोई भी सरकारी आदेश आता है उसको भी क्या किया जाता है, उन सबको सामने फॉलो करवाया जाता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, वॉच रूम प्रशासनिक कार्य भी करता है, सॉरी कंट्रोल रूम प्रशासनिक कार्यों में भी भाग लेता है, बल्कि वॉच रूम क्या करता है दुर्घटना स्थल पर सूचना प्राप्त करता है और कार्यवाही हेतु कर्मचारियों को क्या करता है वहाँ पर भेजता है। अब देखो इनमें सब में जो वॉच रूम ऑपरेटर होता है वो एक प्रशिक्षित कर्मचारी होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो प्रशिक्षित नहीं होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, उसमें सुनने की एबिलिटी नहीं होगी, बोलने की एबिलिटी सही नहीं होगी, वो समझा नहीं पाएगा या सुन नहीं पाएगा, तो पूरी तरीके से क्या हो सकता है कि अच्छे तरीके से हो सकता है कि वो सूचना को अंकित नहीं कर पाए और सही समय पर क्या हो नहीं हो सकता हो, कोई भी आपात स्थिति में मतलब पहुँचते समय कोई ना कोई गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इन सब का होना चाहिए। अब अगर अपन बात करें कि कंट्रोल रूम के जो ऑपरेटर होते हैं वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो ऑपरेटर होता है उसको यूनिफॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, समय का वो पाबंद होना चाहिए, कभी भी कंट्रोल रूम को खाली नहीं होना चाहिए और घटना की सही जानकारी लेने में भी सक्षम होना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई घबराया हुआ व्यक्ति हो सकता है वो सही बात नहीं बता रहा, तो उसको धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को क्या करना होता है अपन को अंकित करना पड़ता है, सहकर्मियों के साथ क्या करना होता है अच्छा व्यवहार करना होता है, अपने जो बाकी के कर्मचारी होते हैं उनके साथ क्या करना होता है अच्छा व्यवहार करना होता है, और भाषा भी क्या होनी चाहिए उसकी मृदु भाषा होनी चाहिए, आराम से बोलने वाला बंदा होना चाहिए। तो ये जो अपन ने अभी बात की ये अपने कंट्रोल रूम और वॉच रूम से संबंधित जानकारी थी, जो अपने सिलेबस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट वाली जानकारी थी वो सब अपन ने शामिल कर ली है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।